हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल अकेडमी ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप पूरा लेक्चर जरूर देखें। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड है, जो हमारा ये सेकंड हेड है इनकम टैक्स का, इसमें बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब है कि इसकी कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की, कौन सी इनकम जिसको हम टैक्सेबल ट्रीट करेंगे, वो कौन सी इनकम है, किस बेसिस पर हम वो इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है, वही हमारा बेसिस ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्सेबल इनकम में जिसमें हम ऐड करते हैं, वो एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है कि हम किसे प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। तो प्रॉपर्टी इज एन एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेंट देयर टू। अपर्टेंट देयर टू का मतलब क्या है कि बिल्डिंग को, किसी भी बिल्डिंग को हम हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे, और उस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी उस लिंक्ड लैंड होगी उस बिल्डिंग से, उसे भी हम हाउस प्रॉपर्टी में ही ट्रीट करेंगे। जैसे घर के बाहर पार्क होता है, तो वो पार्क भी हमारा हाउस प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट होगा। और ऐसे ही कोई लैंड जिसके आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, उसे हम हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करेंगे। सिर्फ जो लैंड अपर्टेंट टू द बिल्डिंग है, उसे ही हम हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि असेसी उसका ओनर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि असेसी के बिजनेस और प्रोफेशन से वो रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका पर्पज, जैसे कि रियल एस्टेट में, अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है अगर किसी एसएससी का, तो वो किसी उससे रिलेटेड अगर वो किसी बिल्डिंग का ओनर है, तब उसे हम हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थ्री कंडीशंस हैं कि कोई भी बिल्डिंग जिसका एसएससी ओनर हो, और वो उस बिल्डिंग उसके बिजनेस या प्रोफेशन से के पर्पज से ना हो। तो हाउस प्रॉपर्टी में कुछ फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम्स होती है। तो फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम्स कौन सी हैं, यानी कि कौन सी ऐसी इनकम है जिसे हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानेंगे। तो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस है अगर, तो उसे भी हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानेंगे। एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस ऑफ एन एक्स इंडियन रूलर का, अगर किसी वन पैलेस, सिर्फ एक सिंगल पैलेस की उसकी कोई एनुअल वैल्यू है, तो उसे हम नहीं लेंगे, एग्जम्प्ट होगी वो इनकम। अगर वन से ज्यादा उसके पैलेस में, मोर देन वन है, तो हम वो टैक्सेबल होगी उसकी इनकम। फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन बाय लोकल अथॉरिटी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स। अगर इनकी अगर किसी भी बिल्डिंग, किसी भी प्रॉपर्टी के ओनर इनमें से कोई एसोसिएशन है, तब भी हम उनकी उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को, उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं ट्रीट करेंगे, वो भी एग्जम्प्ट होगी। और प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस पर्पज के लिए अगर यूज हो रही है वो प्रॉपर्टी, तब भी वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। इनकम फ्रॉम वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अगर किसी एसएससी के पास एक ही हाउस है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो खुद ही उसमें रह रहा है, तब भी उसकी इनकम जो है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगी। इनकम फ्रॉम हाउस मीन फॉर सेल्फ रेजिडेंस बट कुड नॉट ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ सम बिजनेस रीजन। इसमें क्या है कि अगर वैसे तो उसके सेल्फ रेजिडेंस के लिए था वो हाउस, लेकिन उसकी उसका बिजनेस कहीं और है, किसी दूसरी सिटी में है, या फिर उसकी अगर वो एम्प्लॉय है तो वो कहीं बाहर रह रहा है उसके बिकॉज ऑफ हिज ड्यूटी, तब उसके उस हाउस की जो इनकम है, जो एनुअल वैल्यू है, उसको हम टैक्सेबल नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो उस बिल्डिंग में इसलिए नहीं रह रहा है क्योंकि वो उसकी ड्यूटी किसी अदर प्लेस पे है, इसलिए तब भी हम उसकी इनकम को, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, और वो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये फुल्ली आगे भी है कुछ जो फुली एग्जम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी है। या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रॉड, ये सिर्फ कब टैक्सेबल होगी, अगर फॉरेन में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, तब वो तभी टैक्सेबल होगी इंडिया में, जब वो इंडियन रेजिडेंट की होगी तभी वो टैक्सेबल होगी। अगर वो नॉन रेजिडेंट है और उसकी
प्रॉपर्टी भी आउटसाइड इंडिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। प्रॉपर्टी ओन बाय को ओनर्स, अगर एक से ज्यादा ओनर है किसी प्रॉपर्टी के, तब उनकी जितना भी ओनरशिप का उनका शेयर है उस प्रॉपर्टी में, उसी शेयर के अकॉर्डिंग उनकी इनकम का भी ऐसे ही शेयर हो जाएगी उन दोनों की इनकम, और दोनों की अलग अलग इनकम में उनके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड होगी। कंपोजिट रेंट इफ कैन बी स्प्लिट ऑफ देन, कंपोजिट रेंट इसमें क्या है कि अगर किसी ने अपना हाउस रेंट पे दे रखा है और उस रेंट हाउस के साथ साथ और भी बहुत सारा सामान जैसे फर्नीचर वगैरह वो भी रेंट पे ही है, तब वो कंपोजिट रेंट हो जाएगा उन फर्नीचर्स का भी और हाउस का भी, तब उसे हम बोलेंगे कंपोजिट रेंट। अब अगर वो स्प्लिट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है फर्नीचर का रेंट और हाउस का रेंट, तब तो उनको हम अलग अलग चार्ज कर लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो अब हम उसे हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम मानेंगे, और अगर वो हो सकता है अलग अलग तो जो फैसिलिटीज हाउस के अलावा जो अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं उनकी, उनसे उनका जो रेंट है वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा एससी के लिए, और उसके हाउस रेंट से जो इनकम हुई है वो उसके हाउस प्रॉपर्टी में ऐड होगी, एनुअल वैल्यू में ऐड होगी। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो उनको प्रोवाइडेड डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई इफ प्रोवाइडेड जीटीआई डज नॉट एक्सीड ₹20,000 एंड सोसाइटी इज नॉट हाउसिंग सोसाइटी अर्बन सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जाम उनको डिडक्शन मिल जाएगी जीटीआई में से, लेकिन डिडक्शन कब मिलेगी, जब उनकी जीटीआई 20,000 से ज्यादा ना हो और जो जो वो सोसाइटी है वो कोई हाउसिंग सोसाइटी, अर्बन कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रांसपोर्ट सोसाइटी भी ना हो, उस कंडीशन पे उनको हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन मिल जाएगी उसकी इनकम की, हाउस प्रॉपर्टी इनकम की। नेक्स्ट है अब एनुअल वैल्यू, क्योंकि हमारा बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी में, एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये 3 स्टेप्स हैं। क्या है, सबसे पहले हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, जो म्यूनिसिपल वैल्यू यानी कि जो म्यूनिसिपलिटी ने जो डिसाइड कर रखी है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, वो वैल्यू या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगी, ग्रेटर द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेक्टेड रेंट, उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट ट्रीट करेंगे। और अगर हमें स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है, अगर ना गिवन हो तो सीधा ये एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है तब हम स्टैंडर्ड रेंट और जो ये ऊपर कैलकुलेट की थी फर्स्ट स्टेप में, इनमें से जो ग्रेटर वैल्यू थी वो, उन दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, एंड द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन द दिस एक्सपेक्टेड रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, फिर वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा इनमें से जो भी लेस होगा, ऊपर वाली वैल्यू जो इसमें कैलकुलेट की वो वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों को कंपेयर करके जो भी लिस्ट होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे और उनमें से जो भी ज्यादा होगा वही ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन ना है तो सीधा ये एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट कंपेयर करके ग्रेटर द फॉलोइंग विल बी ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। हमें टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सबसे पहले जो ग्रोस एनुअल वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, ये ग्रोस एनुअल वैल्यू लेंगे हम, इसमें से फिर जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस जो एसएससी ने पे किए हैं वो माइनस हो जाएंगे, और जो अनरिलीज्ड रेंट है यानी कि अगर किसी टेनेंट ने रेंट ना पे किया है या उस रेंट में डिफॉल्ट है, उसने ना पे ही ना किया हो या फिर वो लेट हो पे करने के लिए, इनकी जिसको ना मिला हो एसएससी को जो रेंट, वो रेंट इसमें से माइनस कर देंगे, और टैक्स जो एसएससी ने पे किया है म्यूनिसिपल टैक्स वो माइनस कर देंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू में से। फिर नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, और नेट एनुअल वैल्यू में से फिर हम डिडक्शंस माइनस करेंगे जो अंडर सेक्शन 24 है। अब 24 में कौन सी डिडक्शंस आती है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, और एक है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो, यानी कि जो
प्रीवियस ईयर में जो इंटरेस्ट लोन के ऊपर है वो इंटरेस्ट, और प्रीवियस ईयर के पिछले सालों का भी इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट करके वो भी माइनस होगा प्रीवियस ईयर से पहले वाले ईयर्स के लिए भी अगर कोई इंटरेस्ट था तो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे फिर उस एनुअल वैल्यू में से, और स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे 30% की माइनस, फिर जो बैलेंस हमारा बच जाएगा वो ही हमारा होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ये तो थी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि जो किराए पर दे रखी है वो हाउस प्रॉपर्टी, उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब है अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, अगर कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो हमने पढ़ा था कि वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है उसकी इनकम, यानी कि उसमें ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो नील होगी, और फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस भी माइनस नहीं होंगे, क्योंकि जब हम ग्रोस एनुअल वैल्यू ही नहीं ले रहे हैं तो टैक्स वगैरह की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, एनुअल वैल्यू नील आ जाएगी, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील होगी, और लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन है वो माइनस जरूर होगा। अगर इंटरेस्ट अगर लोन ले रखा है हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया था, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्टेबल होगा अप टू 30,000 या फिर 2 लाख, जो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो वो माइनस होगा। लेकिन और जब ये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा तब हमारे हाउस प्रॉपर्टी से क्या आएगा, लॉस आएगा, क्योंकि हमने एनुअल वैल्यू तो कुछ ली नहीं, इनकम तो कुछ लिया ही नहीं, लॉस लिया है सिर्फ जो इंटरेस्ट का है वो माइनस किया है, तो या तो 30,000 या 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी से फिर लॉस आएगा अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो। अब है कि अगर असेसी के पास मोर देन वन हाउस है तब उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। इन केस वेयर असेसी ओन मोर देन वन हाउस, देन वन हाउस इज डीम्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर आर डीम्ड एज लेट आउट। तो सिर्फ एक ही हाउस को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, बाकी के सबको ही हम लेट आउट ट्रीट करेंगे। तो जो वो लेट आउट हाउसेज हैं उनकी एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, वैसे ही भी ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, और फिर जो म्यूनिसिपल टैक्स और वो अनरिलीज्ड रेंट वो माइनस करके फिर हमारा आ जाएगा एनुअल वैल्यू। ये एनुअल वैल्यू है, और फिर इसमें से हम 30% की ऑफ एनुअल वैल्यू जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो माइनस कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन था उसमें लिमिट थी 30,000 और 2 लाख की, लेकिन जो डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उसके उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन है चाहे वो मोर देन 30,000 या फिर मोर देन 2 लाख हो, वो दोनों सारा ही आ जाएगा इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो इनकम या फिर लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये यूजफुल लगे तो इसको औरों को भी शेयर करना। थैंक यू।